मंदिर आई हूँ फ्रेंड्स। आज पूनम है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खुश हैं। तो अभी आज सुबह अभी 9 बज रहे हैं, मैं मंदिर जाके आई, पूजा भी हो गया मेरा अच्छी तरह से, घर में भी अच्छे से पूजा हो गया है। तो आज आप सभी मेरी प्यारी फ्रेंड्स को आज व्रत सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा खुश रहिए। तो आज मेरा भी फास्ट है, वैसे हम लोग पूनम करते ही हैं, हर महीने का हम पूनम करते हैं, तो आज व्रत सावित्री है तो वो भी हो जाता है। तो मैं दाल चूरमा बाटी बनाऊंगी, तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए चलो शुरू करते हैं। साड़ी पहनने को आता है तेरे को? नहीं नहीं, वो कम गांडी का पहनने। अच्छा हेलो फ्रेंड्स, तो आज दाल बनाएंगे, दाल चूरमा और बाटी बनाएंगे। तो ये मैंने 5 तरीके की दाल लिया है, मूंग की दाल, मसूर की दाल, हरे छिलके वाली मूंग की दाल है ये, और ये तुअर दाल है, और ये चना दाल है। और ये मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया है, तो मैं इतना तो नहीं बनेगा, ये मैंने मिक्स पहले ऐसे बना के रख लेती हूँ, मैं दोबारा दूसरे दाल में भी काम आ जाएगा। तो इनको मिक्स करके मैं थोड़ी देर भिगा दूंगी, भीगने के बाद फिर इसको दाल बनाते हैं। तो आज दाल चूरमा बाटी बनाएंगे। तो जो इसको पंचरत्न दाल बोलेंगे, 9 रत्न की भी बनती है, की दाल की भी बनती है और पंचरत्न की भी बनती है, तो ये पंचरत्न दाल है। तो आज दाल चूरमा बाटी बनाएंगे राजस्थानी स्टाइल। ये मेरे तरीके से मैं बनाऊँगी, सबका अपना अलग अलग रहता है पैटर्न बनाने का। तो मैं जैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ वैसे शेयर करती हूँ। तो ये अभी मैं दाल भिगा देती हूँ 1-2 घंटे के लिए, तो ये अच्छे से भीग जाएगी, तो फिर हांडी में चढ़ा देंगे। दाल चूरमा के लिए मैंने पानी गर्म रख दिया है, इसी में हल्दी डाल देंगे। ये मैंने 2-3 घंटे पहले दाल भिगा दिया था, तो अभी ये दाल इसमें धो के डाल देंगे। अभी पानी गर्म होने के बाद में फिर हम दाल डाल देंगे इसके अंदर। पानी बॉईल हो गया है, अभी डाल देंगे। ये तो अच्छे से भीग गई है, अरे बढ़िया एकदम, भिगाने से थोड़ा सीझती भी जल्दी है। अभी 1 चम्मच घी या तेल आपके हिसाब से बॉईल करते टाइम पे डाल देना है, तो क्या उफनेगा नहीं, इसको उफान नहीं आएगा, गिरेगा नहीं, और धीमे धीमे दाल पकती रहेगी। एक बार चला लेते हैं, अब इसको अच्छे से पका लेते हैं। दाल उबल रही है, जब तक हम आटा लगा लेते हैं चूरमा और बाटी का। तो थोड़ा सा चूरमा बनेगा क्योंकि भगवान को भोग भी लगाना है, और थोड़ी बाटी बनेगी, तो दोनों मिक्स बनेंगे। तो मैंने दोनों का आटा एक साथ ही दे लिया है। अब इसमें हम मोइन डालेंगे, तो आप घी का भी मोइन डाल सकते हैं और तेल का भी मोइन डाल सकते हैं। तो मैं फिलहाल तेल का मोइन डाल रही हूँ, फिर क्योंकि हम चूरमा में ऊपर से घी डालेंगे और बाटी में भी हम घी डालेंगे, तो अभी मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। बस मोइन के हिसाब से डालना है। तो ये मैंने 4 चम्मच डाला है मोइन, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एकदम। और ये आटा थोड़ा जाड़ा ही रहेगा, ऐसे बारीक आटा नहीं रहेगा। तो अभी तक इसमें मोइन कम है, तो थोड़ा सा मोइन और डालेंगे, थोड़ी सी मुट्ठी कमी बनती है, तो ऐसा चेक कर लेना अच्छे से। तो अच्छे से टाइट बन जाएगी तो मोइन बराबर है, तो थोड़ा सा हम और मोइन डाल देते हैं। ये दो चम्मच मैंने अभी आधा आटा मैं चूरमा के लिए निकाल लूँगी और आधा आटा मैं बाटी के लिए बनाऊँगी। तो फिर तो जो बाटी में रहेगा उसमें नमक वगैरह सब गिरेगा। देखिए अभी अच्छे से हो गया है, तो मोइन हमारा बराबर है, इसको आधा आधा कर लेंगे। थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़े से कसूरी मेथी
थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा अक्खा धनिया, नमक, अभी थोड़ा सा रवा और थोड़ा सौंफ। अभी सब मिक्स करके बस एक अच्छा, मतलब थोड़ा सा टाइट आटा लगाना है, बहुत ढीला आटा नहीं लगाना है, इसको टाइट ही लगाना है बाटी के लिए, तो इसकी बाटी अच्छी बनेगी। अब थोड़ा सा बेसन और डाल देंगे, थोड़ा सा 2 चम्मच बेसन ले लेते हैं। फ्रेंड्स आटा मैंने गूंद लिया है, बस अभी बाटी को रखना है। बस ऐसे गोल गोल लोई बना के बीच में से ऐसे हाथ से ऐसे कर देना है, और आटा नरम बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा सख्त आटा रखना है। बस अभी इसको कम आंच पे, मतलब कम भी नहीं, मीडियम आंच पे इसको धीमे धीमे सेकेंगे, ढक्कन लगा देते हैं। ये बाटी का कुकर है, तो अभी बाटी सेक लेते हैं। घी ले लिया है मैंने, अभी इसको गरम कर लेते हैं, पिघला लेते हैं घी को, फिर जो बाटी बनेगी ना फिर एक एक करके इसमें डिप करके रखना है, तो पूरा बाटी है पूरा घी को अच्छी तरह से सोख लेगा। तो अभी घी 5 मिनट कम आंच पे और 5 मिनट तेज आंच पे, ऐसे फिर बीच बीच में चेक कर लेना है। तो कम आंच पे रहेगा तो अंदर तक अच्छे से 5 मिनट सीख जाएगा ना, फिर फुल गैस कर देना, फिर आराम से सीखती रहेगी, फिर हमें इसको अच्छी तरह से पलट देना है। तो अब जैसे 5 मिनट कम आंच पे हुआ है तो थोड़ी थोड़ी सख्त हो गई है, तो अभी 5 मिनट फुल मैंने गैस फुल कर दिया अभी, तो अभी इसको अच्छी तरह से और पकने देते हैं। बाटी चेक कर लेते हैं, बहुत गर्म हो गया है, थोड़ी सख्त हो गई, अच्छे से सीख गई है यहाँ से, तो अभी थोड़ी हम पलट देते हैं, फिर वापस पलट लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। अब जैसे ये थोड़ी सिक गई तो इसको पीछे कर देंगे और जो बाकी है उनको थोड़ा आगे कर देंगे, उसे अपने अंदाज से अपने को आगे पीछे करना है ऐसे। तो ऐसे जो अच्छे सिक गई है उनको आगे पीछे कर देना, और जो कम सिकी है उनको बीच में कर देना है। तो फिर से इसको सेम यहाँ जैसे ये सिका हुआ ना, सेम जगह भी ऐसे ही सेकना है। घी मैंने मेल्ट कर लिया है, चेक कर लेते हैं। तैयार है, एक साफ नैपकिन लेके बाटी को उसमें ऐसे रखना है, और इसको हल्के से है ना ऐसे ऐसे इसको ऐसे दबा देना है, तो ऐसे खुल जाएगी, तो उसको घी में डिप कर देंगे। तो अभी घी में डिप कर देते हैं, तो सबको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे क्रश कर, ऐसे मुट्ठी से ऐसे बस दबा लेना है और डाल देना है ऐसे, तो डाल देना है, तो अंदर घी अंदर तक अच्छे से जाएगा। पर्सनली ना चाय के साथ बहुत बढ़िया लगती है ये। हाँ घी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम है इसमें, लेकिन ठीक है कभी कभी तो खाते हैं। अभी बाकी की बाटी भी सेकने के लिए रख दिया है। बाटी तैयार है, ये देखिए। अभी चूरमा के लिए मैंने इनको सबको ऐसे तोड़ लिया है अच्छी तरह से, बस अभी मिक्सर में बारीक करना है। फिर आप इसमें आप गुड़ भी डाल सकते हो और आप शक्कर भी डाल सकते हो, शक्कर आप पीठी शक्कर भी डाल सकते हैं, और बूरा शक्कर होता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो मैं आज सोच रही हूँ गुड़ का बनाने का, देखती हूँ फिलहाल मैं क्या डालती हूँ तो वो मैं आपसे बता दूंगी। पहले इसको मिक्सर में पीस लेती हूँ, बहुत गर्म हो गया है, गर्मी भी बहुत है ना, कच्ची बिल्कुल मत रखना नहीं तो पेट दुखेगा, पर अच्छे से इसको पकाना ही रहता है। पहले 5 मिनट्स कम रखना है गैस को, और फिर तेज आंच पे आप सेक सकते हो। तो मैंने 5 मिनट्स रखा तो अभी ऐसा, अभी चूरमा पीस लेंगे, मिक्सर में डालती हूँ। ये देखिए बारीक हो गया, थोड़ा सा और बारीक कर लेते हैं।
और ये बाटी का कुकर मार्केट में आराम से मिल जाता है और ज्यादा महंगा भी नहीं आता है, सस्ता ही है। गया है रेडी। अब इसमें गुड़ ही डालती हूँ, आज गुड़ का ही बनाते हैं, तो गुड़ डाल के मैं और घी डाल के इसको चूरमा बना लेते हैं। तो पहले बाटी का काम कंप्लीट करते हैं, अभी तक सेकना है एकदम अच्छी तरह से। और अजवाइन तो आप डालना ही जरूर, क्योंकि क्या पेट में क्या मान लो कुछ भी थोड़ा बहुत कच्चा वच्चा भी अंदर से रह गया हो तो आपको पेट में तकलीफ नहीं करेगा, तो आप जरूर अजवाइन डालना। ये मैंने गुड़ लिया है, ये चूरमा मैंने पीस लिया है, अभी इसमें थोड़ा सा जितना आपको मीठा पसंद है उतना आप क्रश करके डाल सकते हैं। शक्कर भी डाल सकते हैं आप पीस के, मीठी शक्कर भी है तो भी डाल सकते हैं, बूरा भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने आधा कर लिया है, ये इसमें मिक्स कर लेंगे गुड़ को अच्छी तरह से, फिर इसके अंदर घी डाल लेंगे। तो जब तक मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ, अभी हथेली पे आपको ऐसे बस मसलना है गुड़ और जो चूरमा हमने आज और रोटी का पिसा है ना उसको उसको अच्छे से ऐसे मल लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए गुड़ अच्छे से मिल गया है, इसे घिसने से ना आपको पूरा अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा घी ले लेंगे, घी कम ज्यादा आपके हिसाब से, बस इसमें घी है, घी तो लगेगा ही लगेगा, दाल बाटी बिना घी के बिल्कुल नहीं है। हाँ आप कम करके खा सकते हो लेकिन इसमें तो घी आपको लगेगा ही लगेगा। ये देखिए ये बन गए हमारे चूरमा के लड्डू, घी तो देखो इतना चाहिए ही, इसमें लगना चाहिए हाथ में। अब ये चूरमा हो गया है तैयार, गुड़ वाले बाटी हो गई तैयार, खूबसूरत एकदम। ये दाल बाटी तैयार हो गई, अभी हम दाल बघार कर लेते हैं। दाल उबल गई है अच्छे से, अभी दाल को बघार कर लेते हैं। राई जीरा डालेंगे, तेल डालेंगे, प्याज और हरी मिर्ची, तेल जरा ज्यादा ही गर्म हो गया है, सूखी मिर्ची, तेज पत्ता, अदरक लहसुन मैंने डाल दिया है, टमाटर डाल देंगे, अभी दाल के गर्म पानी से मैं मिर्ची हल्दी धनिया गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर इसी में घोल लूंगी मैं चम्मच से। लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी हमने बॉईल में भी डाला है तो थोड़ी सी हल्दी डाली हूँ और गरम मसाला। तो इसको दाल का गरम पानी है ऊपर ऊपर का, उसको अच्छे से घोल के इसमें डालना है हमें। मिर्ची अक्की गाँव में तो सिलबट्टे पे पीस के डालते हैं, अभी इधर तो ऐसे ही डाल लेते हैं। अभी घोल इसमें डाल दिया है, तो मसाला अच्छे से भून लेंगे। आप घी में भी बना सकते हैं और तेल में भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा। मसाला अच्छे से भूनना है, थोड़ा सा हरा धनिया अभी डाल देंगे और थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे और कसूरी मेथी, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे। दाल को उबाल आ गया है, इसमें हरा धनिया डाल देते हैं, दाल तैयार है। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।
चलिए फ्रेंड्स, डिनर कर रहे हैं हम। ये दाल हो गई है, ये बाटी भी अच्छी तरह से घी में हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से फोड़ के इसको दाल में इसमें डालना होता है, और ये चूरमा के साथ में दाल के साथ खाएंगे, और ये हरी मिर्ची की चटनी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मेरे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। मेरे नेबर में न्यूली मैरिड है लड़की, उस श्रद्धा नाम है, इस वीडियो में वो भी दिखेगी। आज उसका फर्स्ट व्रत सावित्री का व्रत है। आज उसने अपने घर में भी बहुत अच्छे से पूजा किया है, हमें भी बुलाया है, हम भी गए थे। तो उनको देते हैं सब ऐसे वाण निकाल के।